गिटार ऐसे नहीं बजाते, तो सिखा दो भैया। अच्छा सिखाने के साथ ही फॉर्मूला भी बताना, देखो मेन काम का हमारा वो है। तो भाई देखो गिटार तो हम दोनों में से किसी को नहीं आता है ना, पर इसकी फिजिक्स समझा सकते हैं तुम लोगों को, है ना। तो देखो हमारी 11th 12th की फिजिक्स में ये टॉपिक होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना, और उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला होता है। अक्षय सर क्या है ये फॉर्मूला? तो भाई इस रेजल्टिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे ये एल क्या है, तुम्हारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी हम गिटार को लेके तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे छोटा सा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे ये टी क्या है, टेंशन। टेंशन क्या है, जब हम इसे टाइट और ढीला करेंगे यहाँ पे टेंशन इंक्रीज डिक्रीज होगी ना। तो आप म्यू से बताना स्टार्ट करो और फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। म्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बता देते हैं गिटार में होता क्या है ना, अपने गिटार में देखो ये 6 स्ट्रिंग होती है ना, अगर जिन्होंने, ये पतली स्ट्रिंग है, नीचे स्ट्रिंग पतली होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मोटी होती जाती है। देखो जो ऊपर की स्ट्रिंग बहुत मोटी है ये वाली, और नीचे की पतली है। इसमें 5 ही हैं क्योंकि एक स्ट्रिंग हमने तोड़ दिया अभी एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना। और देखो इसमें क्या होता है, टेंशन को हम देखो कैसे चेंज कर सकते हैं ये बताइए। इसमें अगर मुझे इन स्ट्रिंग्स की टेंशन बढ़ानी है घटानी है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहे हैं, नीचे करो थोड़ा सा, अगर मैं इन्हें टाइट या ढीला कर दूँ, देखो अगर मैं ढीला करूँगा तो ये वायर ढीली होती चली जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। सेम अगर मैं इसे टाइट करूँगा, इधर की तरफ घूमूंगा ऐसे, तो ये टाइट होंगी और टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिंग ना दोनों एंड पे फिक्स होती है, एक इधर पे फिक्स होती है, एक इधर पे फिक्स होती है ना, इसलिए ये वाला टॉपिक कंप्लीटली गिटार को एक्सप्लेन करता है। गिटार से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको फील कर सकते हैं ना। तो देखो जैसे ये वाली है ना, ये वाली मोटी स्ट्रिंग है, देखो ये सबसे मोटी स्ट्रिंग है ना, इसकी टेंशन में चेंज करूंगा। ये देखो इस वाले नट इससे बंधी हुई है, जो भी है इसका नट बोल्ट जो भी है, मैं बताता हूँ आप चेंज करो कैसे ना। हाँ देखो देखो अभी मैंने बहुत टाइट करी, अभी स्ट्रिंग बहुत टाइट है, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी सुनना। अब मैं इसको ढीला करने वाला ना, आप फ्रीक्वेंसी सुनाओ, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फील आ रही है। और सबसे ज्यादा फील ना इस नीचे वाली में आती है, आप एक बार ना ये वाली करके दिखाओ ना, सेकंड पे जाओ, सेकंड वाली, सेकंड पे ये वाली देखो, ये सबसे पतली वाली बंधी हुई है, सबसे पतली तो हमने तोड़ दी, उससे थोड़ी सी मोटी है, लेकिन हाँ फिर भी ये इससे बंधी हुई है, इस वाली से बंधी है। चलो पहले ही देखो नॉर्मल। अब मैं इसको ढीला कर रहा हूँ ना, टेंशन कम कर रहा हूँ, तो देखो फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली चेंज हो गई ना, साउंड चेंज हो गया। इसलिए तुमने उन्होंने देखा होगा ना, वो गिटारिस्ट वगैरह होते हैं शो से पहले वो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं इनकी, है ना, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्यों चेंज हो रही है, वो अपन समझेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। अगली चीज अक्षय सर ये बताइए, म्यू क्या चीज है? देखो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अगर तुम इस मोटी वाली वायर के बारे में बात करोगे तो मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा, और इस पतली वाली वायर के बारे में बात करेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ कम है। तो देख लो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हें रिलेशन दिखाई दे रहा है, टेंशन का डायरेक्टली और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बिल्कुल। वैसे तो फॉर्मूले से सारी चीज समझ जाओगे, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसमें क्या है भाई, तो इसमें अपने जैसे अभी तो 5 ही वायर बचे ना, तो मोटे वायर का म्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे अपन पतले वायर की तरफ जा रहे हैं इधर, इनका म्यू कम है, ठीक है। तो और सबसे अलग अलग साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझते हैं कैसे, है ना। तो देखो इस फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है, अगर टेंशन को समझें, है ना, तो अगर मैं इस टेंशन को बढ़ाऊँ तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। हम करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए अक्षय सर, है ना। चलो टेंशन बढ़ाओ, बढ़िए आप, मैं टेंशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 नहीं, इसके अभी ये ऑलरेडी टाइट है। अच्छा तो हम टेंशन कम करने वाले ना, इस वाले की टेंशन कम करते हैं, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दोबारा कर दो, फिर से करते हैं। आप बताइए बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, आप ये बताना, ठीक है, आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? मैं घटा रहा हूँ। घटा रहे हैं हम लोग टेंशन, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, देखना इसको करते हैं। देखो जैसे जैसे उसको ढीला कर रहे हैं साउंड चेंज हो रहा है, अब एक बार बढ़ाइए ना, ढीले रखिए और बढ़ाइए ना बस। अब हम इसकी टेंशन बढ़ाएंगे तो देखना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, देखो साउंड चेंज हो रहा है। इसी को अपन पतले वायर में भी ऑब्जर्व करते हैं ना, पतले वायर में, ठीक है, 1 2 3 अब इसको टाइट करना है ना, अब पहले ढीली कर, अच्छा ठीक है, पहले ढीली कर रखी मैंने, ठीक है, 1 2 3 अभी हम इसको टाइट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना पतली वाली, देखो इधर दिखा देना, 1 2 तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होता है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आप अच्छा ही गा रहा है, मैंने तो गाया नहीं भाई, चलो ठीक है, वेट अच्छा। चलो इस म्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, म्यू को कम करने से क्या होगा ये बताइए। देखो भाई म्यू को अगर कम करते हैं, सिंपल सा देखो ना, अगर ये म्यू हम कम कर रहे हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, देख लो इसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, ये वाला सिस्टम पूरा रूट के, है ना, रूट ऑफ म्यू के, रूट ऑफ म्यू के। तो म्यू को कम करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। अब देखो इन 5 वायर में से म्यू सबसे कम किसका है बताओ, जो ये देखो नीचे का पतला वायर है इसका म्यू कम है, और जो मोटा वायर है उसका म्यू ज्यादा है। तो तुम इनकी फ्रीक्वेंसी सुनो, एक बार सुनो तो मैं अलग फर्क दिखेगा ना, मैं बड़े वाली की बजा रहा हूँ, सबसे बड़ा मोटा म्यू ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम है इसकी। अब देखो अगला बजा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे म्यू कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हो तो गया
सी के संगीत फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो, तुम्हें पता ना पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये नाइन्थ वाले भी अपना कॉन्सेप्ट वो दोहरा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो भाई यही फिजिक्स है, अब जाओ मजे मारो। चलो, और इसको अगर डिटेल में समझना है ना, इस पूरे फॉर्मूले को और वेव्स कैसे काम करती हैं, कैसे प्रोपोगेट करती हैं, तो इसमें मैंने 15 मिनट का एक वीडियो बना के डाला है जिसमें मैंने प्रॉपर एनिमेशन के साथ फील कराया वेव्स का ना, वो वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। और भाई फिर चलते चले, गिटार बजाते हम लोग जाके, हमारा शो है अभी, हम दोनों